यार इस फ्राइडे कमाल हो गया, कोई भी मूवी रिलीज ही नहीं हुई। हाँ? भाई तीन बड़ी मूवी लाइन से लगी हुई हैं, लेकिन तीनों ने फ्राइडे की जगह 25 अक्टूबर को डेट फिक्स करी रिलीज करने की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने यार ये बड़ा मौका गवाया है। इनमें दो मूवीज बॉलीवुड की थी, एक अजय देवगन की थैंक गॉड और अक्षय कुमार की राम सेतु, जो बहुत बड़े बजट की मूवीज है और भाई बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। खैर थैंक गॉड से तो मुझे पर्सनली कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन राम सेतु से मुझे बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं। और भाई तीसरी जो मूवी थी वो मराठा इंडस्ट्री की मूवी थी, जो पहली बार पैन इंडिया लेवल पे रिलीज हो रही है। उसका नाम है हर हर महादेव और उसके हीरो है शरद केलकर, जिन्होंने बाहुबली की आवाज दी थी। इस मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि भाई इस मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त आया था। इसका मैंने रिव्यू करा था, तो मैं आई बटन में दे दूंगा मैं लिंक, देख लेना भाई। ये मूवी दमदार होने वाली है, क्योंकि ये जो मूवी है ना एक मराठा वॉरियर पे बनी हुई है। पर इन्होंने भी यार बॉलीवुड की देखा देखी अपनी मूवी को 25 अक्टूबर को ही रिलीज करा, लेकिन मेरे ख्याल से यार इन्होंने बहुत ज्यादा गलत करा। पर्सनली यार मेरा मानना तो ये है कि इन्हें तो कम से कम रिलीज करना चाहिए था इसी फ्राइडे को, क्योंकि भाई बड़ा वीकेंड मिल जाता और भाई कोई ज्यादा कंपटीशन भी नहीं रहता। तो इनका जो है मूवी जो मुझे लग रहा है अच्छी भी होगी, तो यार बस बन जाता हिंदी ऑडियंस के अंदर भी, तो मूवी में जो है ऑडियंस खिंची चली जाती है। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। खैर यार जो बॉलीवुड वालों ने नहीं किया वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगा था कि यार दिवाली है तो बहुत ज्यादा लोग जाएंगे नहीं थिएटर में, और भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, T20 वर्ल्ड कप चल ही रहा है। तो यार तुम्हें क्या लगता है कि हर हर महादेव के मेकर्स को फ्राइडे को रिलीज करना चाहिए था नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।